दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दो खबरें कवर करूंगा, दोनों आपको वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा सेना के सूबेदार साहब ने प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से समझाया, और दूसरी बात करूंगा जंतर मंतर से ओआरओपी लाइव, आज है चौथा दिन और लाइव कॉन्फ्रेंस में क्या है अपडेट, यानी हमारी लड़ाई आगे कहां तक बढ़ी है। खबरें करते विस्तार से, सबसे पहले एक बहुत सौहार्द खबर, सबके लिए खबर जो कि आप बिल्कुल प्राउड फील कर सकते हैं, जिसमें हमारे एक सूबेदार साहब बता रहे। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव, वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। उसके बाद वो बोलता है, सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। मैं पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए। कि तुर्की के अंदर जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट के एनडीआरएफ टीम गई है, वहां पर हमने किस तरह ऑपरेशन को अंजाम दिया, डॉगी की सहायता से हमने लोगों को खोजा कि कौन से जिंदा लोग हैं, उनको रेस्क्यू किया और उनको हॉस्पिटलाइज किया, उनका इलाज किया, और इस चीज को बहुत बखूबी से समझाती हुई एयरफोर्स की टीम है हमारी मेजर अबीना तिवारी जी ने कैसे समझाया, जो आज दिलों पर राज किया है। जब इतना सब सुनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ देखा कि आपने भारत का गौरव बढ़ाया है और भारत की शान को बढ़ाया, पूरे देश में आज भारत और भारतीय लोग और भारतीय सेना के प्रति लोग इतना विश्वास और प्यार दिखा रहे हैं, ये आपने किया है और हमारा भारत देश आपका ऋणी है। आपके काम को मैं, आपके काम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो आज टीम गई थी वहां पर उनके साथ रूबरू हुए कल और ये बात कही, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कहते हैं कि जब जंतर मंतर पर ओआरओपी 2 के खिलाफ, यानी टेबल नंबर 7 के खिलाफ, हमारे अनोमलीज के खिलाफ, हमारे डिस्पैटीज के खिलाफ, कि हमें जेसु जवान को कुछ नहीं मिला, उसका 20 21 22 23 आज चौथा दिन है, कल तक की रिपोर्ट, कल तक की अपडेट क्या कहती जरा सुनिए। 20 तारीख को बहुत बड़ा एक मूवमेंट पूरे देश में जगा और देश से लोग हर एक स्टेट से वहां पहुंच रहे, लेकिन दिल्ली जंतर मंतर पर 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की परमिशन नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में ये बात जाके पहुंच चुकी है कि हमारी अनदेखी हुई है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, ये ही काफी है। यानी और आगे की टीमें आप 12 मार्च को जाने के लिए वहां पर परमिशन ले रही हैं और तैयार हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं, सरकार को हम समझा रहे हैं, सरकार ही हमारी बातें समझे कि हमारे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर हो या ओआरओपी 1 2 और आगे जी ये इसी तरह ओआरओपी चलता रहा तो भेदभाव हमारे सामने रहेगा, क्योंकि ये 2.57 फैक्टर की वजह से किसी भी जेसीओ की, किसी भी एनसीओ की पेंशन में कोई बढ़ोतरी न हुई है और ना ही आगे होगी। आखिर हम इस ओआरओपी को लेकर क्या करें, आखिर सरकार की ये कौन सी ओआरओपी है जो जिसके लिए है उसको समझ से परे है और उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। इसके लिए आप देख सकते हो हमारे साझा सैनिक संगठन ने सबने एक कोऑर्डिनेशन किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पत्रकार से रूबरू हो रहे हैं और पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। आज हमारा जो तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन का, और फर्स्ट टाइम ने जो 20 फरवरी को किया वो तो एक पूरे देश के जितनी भी जेसीओ जवान संस्थाओं को हमने कॉल दिया था, उसके बाद जो निर्णय लिया कि कंटिन्यू रखना जब तक सरकार हमारी मान नहीं लेती, एक संकेतक हमारा धरना प्रदर्शन है। अगर कंटिन्यू रखेंगे, अगर सरकार नई बातें मानती तो हम इसका कोई जैसे 20 की तरह इससे भी बड़ा कोई प्रोग्राम वो लिख सकते हैं। उन्होंने बोला अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, बोला सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी फिर हम बड़ा धरना देशव्यापी धरने की तैयारी करेंगे, और इसकी तैयारी हर एक स्टेट में हर एक सैनिक संगठन एकजुट हो गए, बस इशारे की जरूरत है और सरकार को बिल्कुल अपनी मांगे मनवाने के लिए पूरी जी जान तक कोशिश करते रहेंगे।